7,499 रुपये में आपको एक ऐसा स्मार्टफोन मिलने वाला है जिसके अंदर आपको 6 GB रैम मिलेगी और 90 Hz का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है इंडिया में जो कि इंडियन ब्रांड या इंडियन कंपनी ने लॉन्च किया है। काफ़ी कमाल के स्मार्टफोन है। 24 फरवरी को इसको पहली सेल लगने वाली है amazon.in पे, वहाँ जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 7,499 रुपये में। इतने कम प्राइस में ये सब स्पेसिफिकेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। ये सारी जो स्पेसिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलती हैं वो मिलती हैं 10, 12, 14 या फिर 15,000 के स्मार्टफोन जो कि आपको इस स्मार्टफोन देखने के लिए मिल रही है। सबसे अच्छी बात है कि ये इंडियन ब्रांड है दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे इसी इंडियन ब्रांड के बारे में, इसी एक स्मार्टफोन के बारे में। अगर आप जल्दी में ही 2-4 दिन में फिर 5-6 दिन में कोई स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो ना, तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद में आप स्मार्टफोन चाहे तो बाय कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं, चाहे किसी और को बाय कर सकते हैं। और आज की वीडियो में लास्ट में हम ये भी बात करने वाले हैं कि जो स्मार्टफोन है वो किन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, गेमिंग के लिए अच्छा है या नहीं, या फिर किन लोगों के लिए अच्छा है, किन लोगों को खरीदना चाहिए, किन लोगों को नहीं खरीदना चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करना, और आप इस टाइप की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है वो टेक्नो कंपनी लॉन्च किया है। टेक्नो कंपनी इंडियन ब्रांड है जिसने स्मार्टफोन लॉन्च किया है। अब ये जो स्मार्टफोन, इसका नाम है टेक्नो स्पार्क 8C। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है वो टेक्नो स्पार्क 8 का एक अपग्रेडेड वर्जन आप इसको बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी 6 GB रैम। अभी जो 6 GB रैम है वो किस तरीके से मिलेगी वो आपको चलिए समझा देते हैं। 6 GB रैम के अंदर आपको इसके अंदर जो हार्डवेयर रैम जो देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 3 GB रैम, और बाकी आपको इसमें 3 GB रैम वर्चुअल देखने के लिए मिलेगी जो कि अपडेट से आप इसको बढ़ा सकते हैं। आपको पता है आजकल स्मार्टफोन्स में वर्चुअल रैम देखने के लिए मिल रही है, तो इसमें भी आपको 3 GB रैम देखने के लिए मिलेगी जिसको आप 6 GB तक एक्सटेंड या फिर बढ़ा सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो ये वर्चुअल रैम देखने के लिए मिलती है, चाहे वो कोई भी स्मार्टफोन हो, वो जो रियल रैम और जो हार्डवेयर वाली रैम है ना उसका मुकाबला तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ फिर भी कुछ हद तक आपके फोन के परफॉर्मेंस को इंप्रूव जरूर कर देती है दोस्तों। साथ में आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाली 90 Hz यानी कि 90 Hz के रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिला, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। 7,500 में 90 Hz का रिफ्रेश रेट कंपनी तो 12,000 में नहीं थी, जबकि आपको 7,500 में यानी कि 7,499 में आपको देखने के लिए मिल रहा 90 Hz का रिफ्रेश रेट। आपको इस स्मार्टफोन में रियर में 2 कैमरे देखने के लिए मिलेंगे, जो कि इसमें मेन कैमरा है वो 13 MP आपको देखने के लिए मिलेगा, और साथ में फ्रंट में आप इसको 8 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने के लिए मिलने वाला। और इसमें आपको 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलेगा, डुअल 4G है। साथ में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलने वाला है जिसके अंदर आपको 2 SIM लगा सकते हैं, साथ में एक मेमोरी कार्ड यानी कि SD कार्ड भी लगा सकते हैं दोस्तों। और इसके अंदर अच्छी बात यह कि आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलने वाला, टाइप सी चार्जिंग केबल मिलने वाली, यानी कि काफ़ी कमाल की चीज़ मिलने वाली। और सबसे अच्छी बात इसमें दोस्तों ये है कि आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलने वाली, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब बैटरी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, प्राइस पे ऐसा कम है, लेकिन बैटरी आपको फ्री 5000 की मिलने वाली है। और 5000 की बैटरी तो आजकल आम सी बात हो गई है, 15-20 हज़ार के फोन में भी 5000 की बैटरी आपको देखने के लिए ही मिलती है। लेकिन दोस्तों इसमें एक दिक्कत यह कि ये नहीं बताया गया कि फास्ट चार्जिंग मिलेगी नहीं मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें फास्ट चार्जिंग है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग अगर होती तो आपको पता चल जाता कि और कंपनी लिस्टेड कर ही देती, लेकिन कंपनी ने कहीं पर लिस्टेड नहीं किया कि फास्ट चार्जिंग इसमें है। तो इस हिसाब से फोन को चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 3-3.5 घंटे तक आराम से इसमें लग सकते हैं दोस्तों। अगर बात करूँ दोस्तों इंटरनल स्टोरेज की, जैसे कि मैंने आपको बताया रैम तो आपको इसमें 6 GB मिलेगी, 3 GB हार्डवेयर वाली, 3 GB वर्चुअल रैम। साथ में इसमें आपको 64 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलने वाला, जो कि थोड़ा कम है मेरे हिसाब से 64 GB पर, चलिए 7,500 में और चाहिए आप लोगों को। दोस्तों अभी यहाँ पे जो कमाल है ना वो रुका नहीं है, अब इसमें कमाल की बात है और भी, जैसे कि इसमें आपको देखने के लिए मिलने वाला है फिंगरप्रिंट सेंसर। जी हाँ दोस्तों, 7,500 में फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको फेस अनलॉक भी देखने के लिए मिलेगा, जो काफ़ी अच्छी और कमाल की बात इसमें हो जाती है। ये सारी जो उम्मीद है ना वो मैं कर रहा था एक जियो फोन से, कि भाई जो जियो फोन जो कि इंडिया का ही फोन है, कंपनी ने कहा था कि सबसे अफोर्डेबल है, दुनिया का सबसे सस्ता एक 4G फोन होने वाला, चीपेस्ट प्राइस वाला, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि हुआ है बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें बहुत ही बेसिक सी चीज़ें दे दी गई हैं और प्राइस भी 6,500 उसका रखा गया। लेकिन दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है 7,500 में आता और इतने बढ़िया फीचर्स, इतने गजब फीचर जिसमें लगे ना, जिसकी क्या बात बोलूँगा, उसमें बहुत अच्छा फोन मुझे लगा है दोस्तों। जिसका कैमरा है उसमें आपको पोर्ट्रेट मोड मिलता है, AI कैमरा मिलता है इसमें देखने के लिए, साथ में इसमें आपको HDR मतलब काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। और साथ में दोस्तों इसमें आपको 480 nits की ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है, यानी कि अगर आप बाहर भी जाओगे ना इसको तो भी ठीक ठाक इसमें आपको दिखेगा, मतलब अगर इसमें आपको सनलाइट में लेके जाओगे फोन को तो ठीक ठाक आपको इसमें विजिबिलिटी शो होने वाली है। तो फिर ये तो हो गई कि स्मार्टफोन की बेसिक सी चीज़ें जो कि स्मार्टफोन में होती है, जो मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं क्या इस स्मार्टफोन को आपको बाय करना चाहिए और किन लोगों को बाय करना चाहिए। देखिए ये स्मार्टफोन अगर आप गेमर हैं तो ना लें तो ज़्यादा बेटर है। देखिए अगर आप फ्री फायर खेलते थे, क्योंकि तो बैन हो चुका है, तो अगर आप फ्री फायर खेलते थे तो एक बार को अब इसको ले लेते तो फ्री फायर चल जाता ठीक था, लेकिन अगर आप BGMI PUBG वगैरह खेलते हो या फिर इसमें हार्ड कोर गेमिंग करने वाले हो ना, तो ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी बाय मत करना, क्योंकि इसमें मतलब नॉर्मल गेमिंग आप कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ख़राब है, नॉर्मल गेमिंग हो जाएगी, लेकिन हार्डकोर वाली गेमिंग इसमें आप ना नहीं कर पाएंगे, थोड़ी लैगिंग इशू इसमें आपको आ सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हो, फिर गेमिंग करते ही नहीं हो, तो आपके लिए एक स्मार्टफोन अच्छा ही हो सकता है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं 7,500 में। और अगर आपको लगता है कि इससे बेस्ट मिल सकता है तो आप गूगल में जाइए, वहाँ पर डालिए स्मार्टफोन अंडर 7499,
तो जितने भी स्मार्टफोन 7.49 के अंदर आते होंगे वो आपको दिख जाएंगे और आप उनसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस स्मार्टफोन में आपको कितना बेस्ट मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्राइस की रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन आपको बेस्ट देने वाला है। बाकी आपकी मर्जी है, आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या चाहिए एक स्मार्टफोन के अंदर। और हाँ, एक बात बताना भूल गया कि इसके अंदर HD+ डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है, फुल HD नहीं मिलेगी, HD+ देखने के लिए मिलेगी। कहीं पर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा यार। आप सोच रहे हो आपको 7.5 में सब चीज़ वाली मिल जाए, हाई लेवल वाली, तो वो नहीं हो सकता, तो कहीं तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये स्मार्टफोन को कैसा लगा, और हाँ, जियो फोन के कंपैरिजन में कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आप लोगों को जियो फोन के कंपैरिजन में अच्छा लगा, मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा जियो फोन के कंपैरिजन में। और हाँ, कंपनी एक बात बोली कि ये जो है ना, इसका एंट्री मतलब कि अभी फोन लॉन्च हुआ तो लॉन्चिंग प्राइस 7899 रुपये है। तो बाय करना है तो 24 फरवरी को इसकी पहली सेल लगने वाली है अमेज़न पे, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। हो सकता है कि बाद में इसका प्राइस कंपनी बढ़ा दे 8000, 8500, 9000 भी कर दे, लेकिन अभी इसका प्राइस 7899 तो जाके इसको बाय आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।